हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है मेरी आज इस नई वीडियो में। तो मैं आज खेले जा रहा हूँ हिमलैंड का सीजन 6 एपिसोड 3। तो आपने स्मार्टीफाई के वाली वीडियो तो जरूर देखी होगी। तो हो सकता है हमें बाहर जाने का कुछ और लाइक सिस्टम पता चल जाए। पिछली बार हमसे हैंडल नहीं हो पाए थे, पर ठीक है, चलो फलाना है तो ट्राई को बिजनेस बिजनेस कर लेगा। और मैं एटलीस्ट इंस्पेक्ट कर पाऊंगा उस गड्ढे के अंदर क्या है। आई जस्ट वांट टू बी प्रोफेशनल। अगर ऐसे आप कर सकते हो तो ठीक है, मैं घूम फिर के आ जाऊंगा। कहीं कहीं एसयू मुझे कटा दिख रहा है, गड्ढा अंदर से बहुत काला है। डोंट नो मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा हूं, पर उन्होंने अभी तक देखा नहीं है, उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिखाया। तो इसके आगे का सब कुछ इसी वाली वीडियो में, तो कोई बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाला। और मैंने बहुत सारे लोगों को स्टार्ट आउट भी दिया, वो भी देख लेना। तो दोस्तों, इस वाले कार्ड सेल के अंदर मैं बहुत जी भाई नेदर से आए हैं पक्का। लेकिन ये व्हाइट वाले कहाँ से आ गए भाई? नॉर्मल स्केलेटन विदर स्केलेटन तो ठीक है, मतलब वहाँ से आए होंगे भाई साहब। ये सुपर कंप्यूटर के ऊपर आई चढ़े हुए हैं, ये जो दिख रहे हैं ना सुपर कंप्यूटर है ये वाला, इतना बड़ा सा। ओ भाई बहुत खतरनाक है, तो मुझे याद है थोड़ा बहुत तो। हाँ भाई, ये बहुत तगड़ा सुपर कंप्यूटर है, एंड्रू ने बनाया था। अच्छा भाई, मैंने ख़त्म कर दिया सबको, एकदम क्लीन कर दिया मैंने रास्ता। मार दिए क्या? हाँ भाई, मार दिया मैंने सभी को भाई साहब। क्या वो अंदर भाई एक और है, एक ही है क्या? नहीं, अंदर भी है भाई इतने सारे। क्या है भाई ये आई, ये इतने सारे कैसे आ गई? ये क्या कर रहा भाई? किंग गॉडिंग तो पूरे से हिमलैंड पूरा तबाह कर देगा भाई। भाई साहब इधर भी इतने सारे हैं, इनको मारता हूँ मैं जल्दी से। ओके हट जा, चल हट जा। ओके ओके चलो भाई, मैंने मार दी वाले तो। यार ये इधर भी है भाई। अब भाई ये क्या है भाई, इतने अजीब से घोड़े तो पूरे कार्सल में फैले हुए हैं क्या? पता नहीं भाई, उसने यहीं पर लगता है पोर्टल ओपन कर दिया। तू मार भाई, तू अपना हाथ साफ कर ले थोड़ा सा, थोड़ा बहुत कर कर भाई, अपने हाथ साफ करेंगे ऊपर। ठीक है चल भाई, ओके मार भाई जल्दी से, तेरे अंदर हेल्थ कम है इसलिए पीछे जा रहे तू ही। मार भाई जल्दी मार। ओके सही कर रहा है तू, वन शॉट, लेट्स गो। पीछे से आ गया भाई, पीछे भी है भाई तेरे कोई, पीछे देख पीछे स्केलेटन है क्या? अबे मैं आता हूँ, एक मिनट। चल ठीक है, ये वाला तेरे को याद है मशीन भाई? इतनी तगड़ी मशीन है ना ये मशीन, किसी का हाथ लग गई तो भाई खत्म है। कोई भी इससे हम लोग किसी का भी ब्रेन चेंज कर सकते हैं, उसके पूरी मेमोरी हम लोग हटा सकते हैं मतलब, और हम लोग मेमोरी वापस भी ला सकते हैं, हटी हुई मेमोरी पूरी बंदे की भाई। भाई ये फिर ऐसे खुला क्यों छोड़ रखा है, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। वो तो अभी उस टाइम पे कहाँ किल्बिस आया था और किंग ऑडिन आया था इधर, मतलब फिर उसी के बाद ये सब हुआ है। अभी हमें यहाँ पे सेफ तो करके रखनी होगी मशीन। ये पता नहीं अंदर ही से जा रहा है, मैं उधर से जा रहा हूँ। इधर पत्थर पता नहीं क्यों लगा रखे हैं, अंदर नहीं जा पा रहा मैं। चल भाई चल चल, देख अभी तेरे को पता है क्या करना है। अभी एंड्रू को ढूंढ के लाने, कहीं से भी लेकर आया एंड्रू को। एंड्रू को? हाँ भाई, एंड्रू को नहीं लाएगा तो हम दाइमा को गैस निकालेंगे भाई। एंड्रू एक बार आ गया ना तो समझे सब कुछ एकदम हल हो जाएगा, सारी परेशानी वही अपना बंदा एंड्रू दिमागदार। हाँ भाई, तू कहीं से भी लेकर आ, मुझे नहीं पता, बस एंड्रू को ढूंढ के लाने तेरे को आज के आज में। चल भाई मैं लेके आता हूँ। ठीक है, और वो तू ना कल आई हो इस वाली कार्सल में आ जाइए तू, तब तक मैं देखता हूँ जो भी मेरे को करना होगा मैं कर लूँगा। ठीक है चल, ठीक है भाई मैं जाता हूँ। ठीक है, अपनी उसी वाली मशीन से चले जा जल्दी से। ठीक है भाई, देख जल्दी से जल्दी आइयो, मेरे को नहीं पता किधर है वो, लेकिन हाँ प्रोफेसर से पूछ लिया एक बार तू, शायद उसे पता हो। ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ। ठीक है ओके दोस्तों, अब ये जा चुके हैं वहाँ पर एंड्रू को ढूंढने के लिए, पता नहीं कहाँ गया मुझे नहीं पता। एक मिनट, ये कौन है? अबे हीरो ब्राइन है क्या ये? इसकी आँखें सफ़ेद क्यों हैं इतनी ज़्यादा? एक मिनट भाई, हिमलैंड के अंदर हीरो ब्राइन कब से आ गया भाई? एक मिनट, ये क्या चक्कर चल रहा है भाई? हीरो ब्राइन कहाँ से आ गया इसके अंदर? कौन है भाई साहब ये, कब आ गया भाई इंग्लैंड के अंदर से? कौन है तू? अबे इसका नाम ही मेरे को शो नहीं हो रहा है। एक मिनट भाई, इसका नाम क्यों नहीं शो हो रहा है मेरे को? इसका डैश आ रहा है पूरे नाम की जगह, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है इसका नाम। तू मेरे कार्सल में क्या कर रहा है? अबे ये बेवकूफ बंदा मेरे कार्सल को ही बोल रहा है कि मेरे कार्सल में क्या कर रहा है। अबे तेरे को पता भी है तू किसे मार रहे है? अबे भाई ये क्या बंदा है, ये आ कहाँ से गया? इसका नाम भी नहीं दिख रहा मेरे को और बोल रहा है मेरे कार्सल में क्या कर रहे हैं। मतलब मैं 2-3 महीने से आया नहीं तो ये मतलब इसने कब्जा कर लिया तो इसी का कार्सल हो गया ये सोच रहे हैं भाई साहब। क्या बंदे होते हैं भाई ये, भाई ये पक्का किंग ऑडिन ने ऐसा पोर्टल ओपन करा है भाई, कहीं से भी कोई भी बंदा ज्वाइन हो जा रहा है भाई इंग्लैंड के अंदर। क्या हो रहा है भाई? अबे जा ना तू, मुझे मारेगा। हाँ हाँ, अबे भाई क्या, अब तो भाई इसे मारना ही पड़ेगा क्योंकि इसने अब तो मतलब चैलेंज ही दे दिया मेरे को। जो भी भाई तेरा नाम, अब देख तेरे को मारना ही पड़ेगा क्योंकि अब तेरी गलती है बहुत बड़ी। अबे यार ये सुन भी नहीं रहा, तेरी गलती है भाई समझ ले, मैं इसलिए मार रहा हूँ तेरा, तू नहीं बोले है ठीक है। अबे यार ये बंदे उठ ही नहीं है भाई बिल्कुल भी, इसको समझ नहीं आ रहा भाई ये किसको मार रहा है, इसको पता भी है
इसने शील्ड डाल रखी, एक बार में एक अटैक में तेरी शील्ड टूटेगी, ये ले तेरी शील्ड तोड़ ही दूंगा भाई एक अटैक में। तो क्या कर रही है, देखो एक अटैक में इसकी शील्ड भी टूट गई। लेट्स गो भाई, ये क्या था, इसका नाम भी आई अभी तक मेरे को शो नहीं हो रहा भाई, इसका नाम कौन है ये बंदा? मेरे को लग रहा है एकदम नॉर्मल प्लेयर है भाई, डायमंड का ये पहन के रखे भाई कवच पूरा, एकदम घटिया भाई ये कहीं से भी आई, इसके अंदर बिल्कुल ही पावर ही नहीं थी, एक शॉट में ये खत्म हो गया। तो दोस्तों पता नहीं ये कौन कौन बंदे आई सिमलैंड के अंदर एकदम घुस जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई, ये पक्का किंग ऑडिन की भाई ये चाल है, ये ना ऐसा कर रही है कि कोई भी एकदम पावरफुल कोई बंदा घुस जाए और मतलब दवाइयाँ मचाने लग जाए यहाँ पे। अभी वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि जो किंग ऑडिन है ना उसने अभी देखो स्पॉटिफाई को भी मार दिया, मतलब पता नहीं कहाँ पर पहुँचा दिया वो, मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ उसको एजियो को भी। और दोस्तों मेरे को ड्रीम बॉय का तो समझ ही नहीं आता कि वो बंदा पता नहीं किसके साथ है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। वैसे प्रोफेसर बोल रहे थे कि वो बंदा ठीक है, लेकिन हाँ अभी पता नहीं मेरे को। और हाँ किंग ऑडिन ने जो है जो क्लिविस है उसको भी मरवा दिया मेरे हाथों, लेकिन हाँ मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो किंग ऑडिन है उसने दाइमा को क्यों पंगा मार लिया, मतलब दाइमा को उसने क्या करा मेरे को समझ नहीं आ रहा। दाइमा उसने एकदम गायब ही कर दिया सिमलैंड से, मतलब जब क्लिविस मरा था उसके बाद तो दाइमा एकदम गायब ही हो गई भाई, मेरे को नहीं पता और प्रोफेसर किसी को भी नहीं पता कि दाइमा कहाँ गई भाई। और दोस्तों मेरे को अभी जो है किंग ऑडिन को मारना है कैसे भी करके, क्योंकि जो किंग ऑडिन है ना उसने समझ लो पूरे हिमलैंड के अंदर पूरी तबाही मचा दी है, उस एक बंदे की वजह से समझ लो पूरी हिमलैंड गैंग भी टूट गई है और सब कुछ तबाही मच गई है उसकी वजह से। और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ये किंग ऑडिन के पास इतनी ज़्यादा पावर से आई कहाँ से, और ये बंदे के पास पावर बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, और उसके पास बहुत बड़ी आर्मी भी मेरे को ये भी पता चले हैं। और अभी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा उस बंदे को रोका कैसे जाए, लेकिन हाँ उसको रोकना ही है कैसे भी करके, क्योंकि उसको नहीं रोका गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और उसको रोकने के लिए मेरे को एक बंदे की बहुत ज़्यादा हेल्प लगेगी, वो है एंड्रू, क्योंकि एंड्रू के पास भाई इतना ज़्यादा नॉलेज है ना, वो मेरे को एक से एक मशीन बना कर दे सकता है, एक से एक मशीन, क्योंकि वो बंदा भाई एक लेजेंड बंदा है, वो सही बता रहा हूँ मैं। और बहुत कम लोगों को ही पता है एंड्रू के बारे में, क्योंकि उससे मैं बहुत पहले मिला था, कम से कम एक साल तो होने वाली है समझ लो उससे मिले हुए, लेकिन हाँ भाई बंदा बहुत तगड़ा है वो, लेकिन हाँ मेरे को समझ नहीं आ रहा वो बंदा गायब कहाँ हो गया। प्रोफेसर का मैसेज होगा डाला, जल्दी इधर आ, एक मिनट भाई प्रोफेसर मेरे को बुला रहे, एक मिनट अच्छा वो हो ओके मेरे को समझ आ गया, हूले लाला ने मेरे को बोला था कि मतलब मैं उसको पूछूंगा प्रोफेसर को दाइमा के बारे में, तो शायद कहीं दाइमा की तो बात नहीं है कोई ये, वैसे कार्सल में मैं आऊँगा दोबारा, क्योंकि मैंने हूले लाला को बोला है कि यहीं पर आइए उसको एंड्रू को लेके, देखते हैं भाई एंड्रू कितने दिनों में आते हैं, पता नहीं कहाँ पर जा रखे हो, एकदम तपस्या में लीन हो गए लगता है वो। ओके भाई ये मैं तुम्हें एक और मशीन दिखाता हूँ, इधर देखो ये दिख रही तुम्हें आसमान में एक मशीन बड़ी सी, ये जो मशीन है ना भाई ये मशीन एकदम लीजेंड है, मैं अभी जाऊँगा भाई एक मिनट प्रोफेसर के पास, लेकिन ये मशीन देख के जाऊँगा, एक मिनट देखो ये मशीन लीजेंडरी मशीन में से आती है भाई, पता है क्यों, क्योंकि इस मशीन से हम लोग किसी भी यूनिवर्स में हम लोग टेलीपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ एक ही जगह से। ये देखो ये जो मशीन है बस हमें बीच में खड़ा होना है, इसको एक्टिवेट सिर्फ भाई एंड्रू ही कर सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता, कोई करता हो सकता होगा जिसके अंदर ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन हाँ ठीक है पता नहीं एक्टिवेट कैसे होती है वाली मशीन, मतलब जब ये चलती है तो पूरी गोल गोल घूमने लग जाती है बहुत अजीब तरीके से। पर ये एक दिक्कत है कि मैंने यहाँ पर खुले में रखी हुई है इस वाली मशीन को, कोई भी आकर लेके जा सकते हैं यहाँ पर, कोई भी यूज़ कर सकता है भाई इस मशीन को, गलत यूज़ हो सकता है आराम से। ओके भाई ये मशीन एकदम खुले में भाई, कोई भी कितनी भी दूर से देख लेगा भाई यहाँ से। ओके भाई मेरे को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, बिल्ड करवाना होगा कहीं ना कहीं से। ओके एक मिनट, ओके भाई यार नीचे पानी गिर गया था ये, फिर चलो छोड़ो चाहता हूँ मैं जल्दी से। ओके दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ सीधे प्रोफेसर के पास, क्योंकि भाई उसका मैसेज आ रहा है दोबारा बार बार। ओके चलो भाई जल्दी से, ये जो ये वाले भी हमें मशीन को थोड़ा सेपरेट करना होगा भाई, थोड़ा मतलब दिमाग खराब भाई, कहीं चोरी हो गई ना भाई दिमाग खराब हो जाएगा, इसके अलावा हमारे पास है भी नहीं है मशीन। ओके जल्दी से टेलीपोर्ट होना भाई, क्या पढ़ाई। ओके ओके टेलीपोर्ट होने लग गया मैं। ओके ओ भाई यार ये बच गया भाई, ये क्या था, ये इतना आगे टाइम लग गया इसको टेलीपोर्ट होने में, इतने दिनों बाद आई मशीन यूज़ कर लिया ना, इतने महीनों बाद, चार पाँच महीनों बाद इसलिए आया है ऐसा। हेलो भाई प्रोफेसर, क्यों बुलाया भाई तूने मेरे को प्रोफेसर भाई? होगा लाला मुझे दाइमा की लोकेशन मिल गई। ओ भाई साहब क्या सही में भाई साहब दाइमा की लोकेशन मिल गई क्या? अबे तू मेरे को मैसेज कर भाई, तू मेरे को मैसेज कर जल्दी से, मतलब कोऑर्डिनेट्स मैसेज कर जहाँ पर भी तेरे को लोकेशन मिली है दाइमा की। कहाँ मैसेज करूँ? अरे यार तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे भाई, तेरे को पता नहीं है मेरी आईडी, इंस्टाग्राम मैसेज कर दे मेरे को जल्दी से मैसेज कर दे, क्योंकि भाई मेरे को जल्दी जल्दी अब दाइमा के पास जाने कैसे कर रहे, क्योंकि उनसे भाई पता लगाने हर चीज़ मेरे को, उनको किंग ऑडिन ने कहाँ पर बसाए रखा है। ओके यार ये मकड़ी, मैसेज कर सही प्रोफेसर, जल्दी से मैसेज कर, मैं इनको मारता हूँ तब तक। कर भाई कर क्या रहे तू, जल्दी मैसेज करना। अबे भाई कितना टाइम लगाएगा तू, आईडी बता।
ओ भाई तू पहले होगा लाला वन भाई, तू जल्दी मैसेज कर इस पे, जल्दी मैसेज कर मेरे को कर भाई। ये क्या भाई रात हो रही था, इतने ज़्यादा ज़ोंबी स्पॉन हो रहे हैं फालतू में। मतलब करना कर दिया, ठीक है भाई ठीक है ठीक है, देखता हूँ मैं एक मिनट भाई साहब। इसने बोल रहे कि कर दिया, पता नहीं करा कि नहीं, इतनी जल्दी कौन कर सकता है पता नहीं। मैं जल्दी से जाता हूँ डाइमन जहाँ पर कोऑर्डिनेट है। एक मिनट मैसेज आया, ओके 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 भाई साहब हो चुका है भाई, इसने कर दिया मेरे को। लेट्स गो, अभी मैं जाता हूँ जल्दी से दाइमा के पास। ओके भाई बहुत घंटे हो गए भाई, ऐसा लग रहा है मैंने पूरी दुनिया गोल घूम ली एक बार, पता नहीं कितने घंटों से घूमने जा रहा हूँ भाई। कितनी बड़ी है ये दुनिया, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई। ये कोऑर्डिनेट कितने दूर है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, ये कहाँ पर इसने बोला है। मेरे को लग रहा है इसको गलत कोऑर्डिनेट मिल गए, मेरे को लग रहा है प्रोफेसर को, पता नहीं भाई ये जंगल, पता नहीं कौन सा जंगल में आ चुका हूँ मैं अभी। तो दोस्तों इस जंगल में मेरे को पूरा मोगली वाला फील आ रहा है सही बताऊँ तो। एक मिनट ये देखो भाई, ओके अब इसको मेंढक को नहीं बोल रहा मैं जाना। ये देखो भाई ये घर कहाँ से आया। अच्छा एक मिनट कोऑर्डिनेट तो यही है भाई। एक मिनट इसके अंदर दाइमा है क्या, ये शायद दाइमा का ही घर है पुराना वाला। एक मिनट ओके भाई साहब दाइमा अंदर है। एक मिनट गेट बंद कर देता हूँ मैं लाइट्स को। हेलो दाइमा, हेलो हेलो हेलो, आप भाई आवाज़ नहीं जा रही क्या दाइमा, क्या हेलो होगा लाला। हेलो ओ भाई साहब, हेलो दाइमा किधर भाई, किधर थी इतनी दिनों से। हेलो भाई आवाज़ नहीं जा रही है इनके पास। हेलो किल्विस को मारने के बाद मैं तब से यही हूँ। क्यों किल्विस को मारने के बाद डर क्यों हो भाई, तुम बताओ तो दाइमा। हेलो यार क्या हो गया दाइमा को, ये धुआं कैसे निकल रहा है तुम्हारे अंदर से इतना ज़्यादा, ये पता नहीं क्या है ये रेड कलर का। मुझे किंग ऑडिन ने अपने शक्तियों से यहाँ फ्रीज कर दिया है क्या। एक मिनट अबे ये क्या कर दिया किंग ऑडिन ने सही में, ये एक मिनट इसका मतलब तुम तो चल ही नहीं सकती भाई किधर, दाइमा तो चल ही नहीं सकती भाई इधर। अब किंग ऑडिन तुझे मारने की कोशिश करने वाला है। हाँ मेरे को लग ही रहा था जो किंग ऑडिन है ना मेरे साथ भी ऐसा कुछ करने वाला है, लेकिन हाँ मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई ये किंग ऑडिन ऐसा कर क्यों रहा है इतना ज़्यादा। भाई साहब दाइमा बताओ मेरे को यार इनके तो हाया हाथ भी चल गया भाई। एक मिनट तो मेरे को ये बताओ जो प्रोफेसर है उसको क्यों निकल रहा कुछ वो किंग ऑडिन। तेरे कार्सल में मशीन ने कहीं और जगह लगनी होगी क्योंकि किंग ऑडिन की हाथ लग सकती है। हाँ मैं भी सोच रहा था क्योंकि वो खुले में रखी हुई है मशीन, लेकिन हाँ किंग ऑडिन, अरे हाँ किंग ऑडिन के हाथ में वो मशीन लग गई तो बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि वो तो फिर टेलीपोर्ट कर सकता है हर जगह, तो कोई इधर सीधे आ सकते और मेरे को मार सकते हैं भाई। मेरे को ये चीज़ पता ही नहीं चली थी, अभी मेरे को पता चली है दोस्तों किंग ऑडिन जो है मेरे को मारना चाहते हैं, लेकिन हाँ वो उसको ये भी तो पता होगा कि मेरी वहाँ पर मशीन रखी हुई है, अगर उसने ये मशीन चुरा ली ना तो समझ लो भाई बहुत ज़्यादा। वो मुझे यहाँ ले ला रहा था तब मैंने सुना वो मशीन को चुराने वाले हैं। अच्छा मतलब ओके मशीन को चुराने वाले हैं ना, मैं इसके ऊपर हमला करूँगा उल्टा, ऐसे मैं सोच रहा हूँ ऐसे करना चाहिए। बताओ ये प्लान ठीक है ना, बताओ दाइमा ये प्लान ठीक है क्या। इनको लगता है आवाज़ नहीं जा रही मेरी ठीक से, ऐसे ही लग रहा है मेरे को, पूरा एकदम वश में कर रखा है इसको, फ्रीज कर रखा है दाइमा को। एक काम करता हूँ मैं तुम्हें ना यहाँ पर मतलब बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ मेरे को लग रहा है, इस वाले जो भी घर है ये छोटा सा पानी क्या है ये, तुम्हें यहाँ पर ना मैं सोच रहा हूँ ज़मीन के अंदर काट देता हूँ, मुझे जल्दी यहाँ से निकाल होगा ना। अरे मतलब मैं तुम्हें यहाँ पर ज़मीन के अंदर थोड़ा सा कर देता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी निकाल नहीं सकता, मैं प्रोफेसर को लेकर आऊँगा यहाँ पर। मैं गड्ढा खोद देता हूँ, गड्ढे के अंदर तुम्हें छुपा देता हूँ यहाँ पर, ये ठीक रहेगा। अरे गड्ढे के अंदर इधर ही नीचे गड्ढे के अंदर प्लैंक तोड़ के बस। दाइमा हेलो, आवाज़ नहीं जा रही लगता है मेरे पास मेरी। हेलो दाइमा, हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या। हेलो 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 हेलो, नहीं जा रही भाई दाइमा के पास। मैं एक काम करता हूँ दाइमा, तो मैं इधर गड्ढे के अंदर रख देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी हमला कर सकता है तुम्हारे ऊपर, अगर एक ज़ोंबी तक आ गया वो भी मार देगा। हाँ ये ठीक है। अच्छा अब आवाज़ गई है भाई, ज़ोंबी भी आ गया भाई वो भी मार देगा, ये भी तो बात है ना, मैं गड्ढे के अंदर कर देता हूँ दाइमा को। ओके 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 ठीक है, मैं देखता हूँ ये जगह भी बस ठीक है, लेकिन ऊपर से भी तो ज़ोंबी गिर सकते हैं। एक मिनट मैं इसको भी तोड़ देता हूँ, लेट्स गो। मेरे को ऊपर से भी थोड़ा सेफ करना होगा ना भाई, कोई भी आ गया ना दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई, फिर तो दाइमा को ऐसे ही मार देगा, क्योंकि दाइमा तो फ्रीज है। जल्दी आइए होगा लाला, अरे बहुत जल्दी आऊँगा मैं एकदम, बहुत जल्दी है। एक मिनट रुक जाओ बस तुम। ओके क्या करूँ मैं, इधर स्केलेटन भी मार सकते हैं ऐसे, तो पूरा ही पैक करना होगा यार। कोई नहीं मैं जल्दी आऊँगा एकदम, कोई टेंशन मत लो एकदम, बहुत जल्दी आऊँगा मैं।
ओके मैं बंद कर देता हूँ। ओके चलो ठीक है, मैंने बंद कर दिया टाइम का। अभी मैं जल्दी से जाता हूँ प्रोफेसर के पास और उसको बता देता हूँ, क्योंकि प्रोफेसर वगैरह में कन्फर्म नहीं था, वो बस बोल रहा था कि मतलब डायमा यहाँ पे हो सकती हैं। अभी मैं उसको बता देता हूँ, फिर वो शायद डायमा को यहाँ से निकाल दे। प्रोफेसर या तो विजार्ड, विजार्ड भी कर सकते हैं क्योंकि उसको भी जादू आता है बहुत तगड़ा। विजार्ड को मतलब देखते हैं, विजार्ड भी कर देगा तो। और विजार्ड और वो जो है ना क्या लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन को तो भाई कैसे भी पटा लेंगे, क्योंकि उसको तो बस दारू ही तो पिलानी है भाई। दारू पिलाओ और बस मान जाएगा वो बंदा तो। ओके मैं जल्दी से जाता हूँ अभी तो, प्रोफेसर के पास जाता हूँ। और अभी एंड्रू को भी भाई ढूंढना है, क्योंकि एंड्रू ही भाई कुछ ना कुछ कर सकता है अभी तो। तो दोस्तों आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।